लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन 1074 का आगाज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। सीएम हेल्पलाइन 24 घंटे में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूपी में किसी भी स्थान पर टोल फ्री नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज होगी। हेल्पलाइन पुलिस और हेल्थ विभाग से सीधे जुड़ी होगी। इसका आगाज सीएम डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे और मोहसिन रजा भी वहां पर मौजूद रहे। यूपी की जनता को सीएम योगी की सौगात। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का सीएम ने किया शुभारंभ। 24 घंटे उपलब्ध रहेगी हेल्पलाइन सेवा। समाधान होने तक समस्या का होगा फॉलोअप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी के अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, अनूप चंद्र पांडे, आलोक सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता से संवाद जरूरी है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसका बड़ा साधन बनेगी। इस हेल्पलाइन से शिकायतकर्ता की परेशानी का जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक इसका फॉलोअप किया जाएगा। इस हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत तभी बंद होगी जब शिकायतकर्ता खुद ना कह दे कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। इस हेल्पलाइन की खास बात यह है कि इसमें शिकायतकर्ता यूपी में किसी भी स्थान से इसके टोल फ्री नंबर 1076 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस कॉल सेंटर में 500 सीटों की व्यवस्था है जिसमें शिकायत दर्ज करने के लिए स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेगा। सरकार की जवाबदेही को तय करेगी हेल्पलाइन। जनता के लिए वरदान साबित होगी हेल्पलाइन। झूठी शिकायत करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना को लॉन्च करते वक्त सीएम योगी ने कहा कि जनता दर्शन के दौरान 22 लाख मामले सामने आए जिसमें 20 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। सीएम ने कहा कि अगर हेल्पलाइन पर कोई झूठी शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हेल्पलाइन पर शिकायत का निस्तारण करके विभाग हेल्पलाइन को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संबंधित शिकायतकर्ता से पूछा जाएगा कि वो संतुष्ट है या नहीं। अगर संतुष्ट नहीं है तो वापस मामले को उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को यह हेल्पलाइन तय करेगी। गौरतलब है कि सीएम योगी समय समय पर जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन सीएम का मानना है कि जन सुनवाई के दौरान दूर दराज के लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से सीएम ने जनता को संवाद का सीधा माध्यम इस हेल्पलाइन के जरिए उपलब्ध करा दिया है, जिसके लिए सूबे की जनता मुख्यमंत्री की काफी सराहना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।